तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकेट ऑन प्रिडिक्शन में गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। फर्स्ट T20I मुकाबला खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में। बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला, होप आप लोगों को देखने को मिले। तो क्या कुछ इस मुकाबले में प्लेइंग 11 हो सकती है अपने भारत की और इंग्लैंड की टीम की, तो सब कुछ वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा। तो विदाउट स्किप किए आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 7 जुलाई 10:30 बजे रात को अपने भारत अनुसार ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, द रॉस बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा देखिए मैं ग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा स्टेडियम है यार, पूरे चारों तरफ हरियाली यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है गाइस। इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेडियम रहते हैं, अपने भारत में भी रहते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही क्रिकेट को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे इस खेल का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है। यहाँ पे वेदर देखिएगा आप लोग, देखिए मैं पिक है, पिक थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मैच स्टार्ट होने वाले डे का ये वेदर नहीं है, बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इंग्लैंड में आप लोगों को मालूम है कभी भी धूप निकल जाती है, कभी भी बारिश होती है, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर कितना खतरनाक क्लाउडी वेदर है। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं गाइस। सबसे पहले तो बैटिंग बॉलिंग एवरेज विकेट मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन को एडवांटेज रहेगा या सिर्फ बॉलर को एडवांटेज रहेगा, दोनों यहाँ पर अच्छा खासा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो टेक्निकल बैट्समैन होते हैं, अब खेलने के ऊपर भी बैट्समैन के रहता है कि आप कितनी अच्छी से बॉल को टाइमिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पिच भी आपके फेवर में आती है। लेकिन बात किया जाए तो यहाँ पे दोनों का एवरेज मान सकते हो, क्यों अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ रिकॉर्ड रखूंगा जिससे आप लोग खुद ही देख सकते हो। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड में, देखिए 19 मुकाबले टोटल खेले हैं दोनों टीमों ने, इंडिया की टीम ने 10, वही इंग्लैंड की टीम ने भी 9 मुकाबला जीता है। तो यहाँ पे दोनों बराबर की गाइस टक्कर की टीम है, ऐसा नहीं है कि एक टीम मजबूत है और एक टीम कमज़ोर है, जो टीम अच्छी खेलेगी वहाँ पे ये मैच जीतेगी। तो आप लोगों को दोनों टीम को अपने दिमाग में रखकर दोनों टीम के हिसाब से मतलब कंपेयरिंग यहाँ पर कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। बात करते हैं, देखिए T20 इस ग्राउंड में 9 टोटल मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5, वहीं बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने भी 4 मुकाबला जीता है। एवरेज स्कोर 167 है, वही हाईएस्ट स्कोर 248 6 विकेट के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, वही लोवेस्ट स्कोर की भी बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया 79 रन बना के ऑल आउट हो गई थी। तो गाइज यहाँ से अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ तो देखिए कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली या बैटिंग सेकेंड करने वाली, ग्राउंड के हिसाब से अभी देखिए ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग चेजिंग प्रेफर्ड टीम करेगी या बैटिंग फर्स्ट करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से चेजिंग ही करेगी। आप लोगों के सामने इसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड रखूंगा, हो सकता है उससे हम लोगों का थोड़ा सा डाउट कुछ क्लियर हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न, यहाँ पे देखिए 150 से कम 3 बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच में भी 3 बार स्कोर बना है, 170 से 190 के बीच में 2 बार स्कोर बना है, वहीं 190 से ज़्यादा यहाँ पर 1 बार स्कोर बना है। तो आप लोग देखिए मेरे हिसाब से गाइस 160 से लेकर आप लोग 180 के बीच में यहाँ से एवरेज स्कोर मान सकती हो, ठीक है, इतना ही बनना चाहिए एवरेज स्कोर, यही हो सकता है। बाकी यहाँ से 190 से ज़्यादा 1 बार बना है जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए रिसेंट के कुछ मैचेस खेले गए हैं जिनका डाटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोगों के यहाँ पे अटेंशन चाहिए मुझे। सबसे पहले देखिए एक मैच खेला गया था 26 जून 2021 को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में यह मुकाबला खेला गया था, जहाँ इंग्लैंड की टीम 180 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाई थी, वहीं श्रीलंका की टीम इसको चेज नहीं कर पाई थी, मात्र 91 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और बहुत बड़ी जीत इंग्लैंड को मिली थी। 89 रन से यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने यह मुकाबला वॉन कर लिया था, जिसमें कि पेसर्स ने 13 विकेट, स्पिनर्स ने एक ही महज विकेट निकाला था और 2 यहाँ पर रन आउट हुए थे। तो आप लोग यहाँ पर पेसर और स्पिनर में देख सकते हो कितना डिफरेंस है, ठीक है। एक और मैच आप लोगों के सामने यहां पे रखता हूं, 8 सितंबर 2020 को खेला गया था, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 145 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन 5 विकेट के नुकसान पे इजीली ये मुकाबला कह सकते हो चेज कर गई थी। यहां पे 5 विकेट से मुकाबला चेज कर गई थी, जहां पेसर्स को 5 विकेट वहीं स्पिनर्स को भी 6 विकेट इस मुकाबले में मिले थे। एक और मुकाबला खेला गया था 6 सितंबर 2022 को इन्हीं दोनों टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 157 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, वहीं इंग्लैंड की टीम 158 रन बनाकर इजली यह मुकाबला 6 विकेट से चेज कर गई थी। इसमें क्या हुआ था, पेसर्स ने 5 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट निकाला था, 2 रन आउट यहां पर हुए थे, ठीक है। बात करते हैं एक और मैच यहाँ पे 4 सितंबर 2020 में खेला गया था, जहाँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही ये मैच हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड की टीम 162 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाई थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 160 रन बना पाई थी और महज 2 रन से यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ये बाजी मार गई थी। पेसर को 6 विकेट वहीं स्पिनर को भी 6 विकेट मिला था और 1 रन आउट हुआ था इस मैच में।
एक और मुकाबला मैं आप लोगों के सामने गाइज रखता हूँ। ये खेला गया था 21 जून 2017 को, मतलब इस मैच को लगभग 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या निकल रहा है डाटा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करूँगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान ये मुकाबला खेला गया था। हुआ ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम 143 रन 3 विकेट खोकर बनाई थी, वहीं इंग्लैंड की टीम महज एक ही विकेट पे ये मुकाबला चेज कर गई थी, 9 विकेट से इंग्लैंड की टीम जीत गई थी। यहाँ पे पेसर्स ने ही 4 विकेट निकाले थे, स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला था। एक और मैच खेला गया था आज से करीबन 5 साल पहले 2016 को, 5 जुलाई, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में ये मुकाबला हुआ था। श्रीलंका की टीम 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, इंग्लैंड की टीम 2 विकेट पर ये चेज कर गई थी, 8 विकेट से यहाँ पर ये मुकाबला चेज कर गई थी और पेसर्स को 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट यहां से मिला था, 2 रन आउट हुआ था। यहां पे देखिए टोटल विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 67 विकेट गिरे थे, जिसमें से पेसर्स को 40, वहीं स्पिनर्स को महज 20 ही विकेट गाइज मिल पाया था, जिसमें से 7 रन आउट हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो लगभग दोगुने विकेट का यहाँ पे अंतर आ जा रहा है पेसर और स्पिनर के बीच में। तो आप लोगों को होप यहां से तो क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरह के बॉलर अपने टीम में रखना है। मेरे कहने का सेंस ये है गाइस, देखिए आप लोगों को स्पिनर भी अच्छा खासा करके दे सकते हैं, लेकिन जो पेसर्स होंगे वो आप लोगों को स्पिनर के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं अब बात करता हूँ इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकती है। सबसे पहले देखिए जॉस बटलर के साथ जेसन रॉय ओपन करते हुए दिख सकते हैं। देखिए 200 का आप लोगों के लिए फ्री पेटीएम गिव वे, किस तरह से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को एक आंसर देना है, 200 रुपये आपको मिल जाएगा। आपको ये गाइज बताना है कि जॉस बटलर इस मैच में ड्रीम 11 में पॉइंट कितना देंगे, ठीक है गाइज। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि रन कितना करेंगे, मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि पॉइंट कितना देंगे। हो सकता है देखिए जॉस बटलर 60 रन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 80 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें चौके छक्के का बोनस रहेगा, प्लस अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो स्टंपिंग वगैरह का चांसेस रहेगा। तो आप लोगों को इस तरह से आंसर देना है, ठीक है, समझ गए आई होप कि आप लोग। लिखना कैसे, देखिए हैशटैग का यूज़ करना है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, शॉर्टकट में लिख देना है हैशटैग क्रिक 11 प्रिडिक्शन, कमेंट में जाकर लिखना है, और हैशटैग JB मतलब जॉस बटलर, जितना आप लोगों को लगता है। मेरे ख्याल से मैंने फॉर एग्जांपल सपोज डेट मान के 68p मतलब पॉइंट लिखा है, ठीक है। आप लोगों को जितना लगता है आप अपने सिक्स सेंस के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो होगा, जिसका आंसर सही होगा टॉस तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है गाइस। टॉस या तो मान लीजिए चलिए पहली गेंद फेंकने तक ही ये वैलिड रहेगा, तब तक आप लोग आंसर दे सकते हो, उसके बाद कमेंट ऑफ हो जाएगा, या तो आएगा भी तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से जाकर कमेंट में आंसर कर देना है। देखिए हो ये सकता है कि जॉस बटलर की जगह पे फिलिप साल्ड भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितने चारों यहाँ पे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं सभी ओपनिंग करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कैप्टन है जॉस बटलर, IPL में ओपनिंग किए थे, इस बार ऑरेंज कैप भी जीत कर गए थे, और पिछले 2-3 सालों से इंग्लैंड के लिए भी ओपन कर रहे हैं। तो जॉस बटलर के साथ जेसन रॉय हो सकता है ओपनिंग करें, राइट हैंड बैटिंग दोनों करते हैं, उसके बाद वन डाउन डेविड मलान यहां से खेल सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। देखिए डेविड मलान का गाइस पिछले 1 साल में फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम है जब ये T20 में अभी स्टार्टिंग में ही आए थे तो यहाँ पे महज कुछ ही मैच खेलकर ये ICC की रैंकिंग 1 नंबर को प्राप्त कर लिए थे। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फॉर्म गड़बड़ा गया था। इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ये इंग्लैंड की टीम एशिया में भी दौरा कर रही थी, एशिया में इनका रिकॉर्ड डेविड मलान का सही नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम ही है इंग्लैंड के होम ग्राउंड में ही मैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत घातक साबित हो सकते हैं। फिलिप साल्ड की बात करते हैं, अभी नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज चल रही थी, उसमें बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट स्कोर कर रहे थे, लेकिन वो वनडे सीरीज थी, सामने बॉलिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग थी नहीं, यहाँ पे इंडिया की टीम है, तो हो सकता है मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे इनके परफॉर्मेंस में आ सकता है। उसके बाद लियम लिविंगस्टोन गाइस राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं और लेग ब्रेक भी बॉलिंग करते हैं, एक ही हाथ से दोनों चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट हिटिंग करते हैं यार, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, इन्हें बहुत कम समय में वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना लिए हैं ये। मोइन अली उसके बाद लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करके दे सकते हैं, कुछ ओवर करके दे सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं कि 4 ओवर करेंगे। खैर अभी इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल यहाँ से देखिए सैम करन लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम यहाँ से बॉलिंग करेंगे। उसके बाद डेविड विली की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ये भी बॉलिंग करेंगे। रिस टॉपली लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, टाइमल मिल्स लेफ्ट आर्म फास्ट, और यहाँ से मैच पार्किसन लेग ब्रेक है। यहाँ से गाइस अगर मैं सारे यहाँ से अगर मैं आप लोगों को इनके बॉलर दिखाऊं तो सभी लेफ्ट हैंडर ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कि सैम करन हो गए या फिर डेविड मिली की जगह पे हो सकता है कोई राइट हैंडर खिला लिया जाए। मैं अभी आप लोगों को रिकॉर्ड दिखा दूंगा तो उस हिसाब से मैं अभी बता भी दूंगा कौन इनकी प्लेस पर खेल सकते हैं। तो वीडियो आप लोग अभी देखो, अभी तो जस्ट वीडियो स्टार्ट ही हुई है।
उसके बाद यहाँ से बात करते हैं अपनी इंडियन टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा। हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ भी ओपन कर जाएं, या तो ओपन करने को और भी ऑप्शन है संजू सैमसन का है, लेकिन देखिए ईशान किशन पिछले कुछ सीरीज में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है शर्मा जी के साथ ईशान किशन ही ओपन करेंगे। बाकी वन डाउन देखिए दीपक हुडा खेलेंगे। गाइस मतलब अभी आयरलैंड से सीरीज था, बहुत ही अच्छा मतलब स्कोर कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि सामने आयरलैंड की टीम थी, यहाँ पे सामने इंग्लैंड की टीम होगी। उसके बाद संजू सैमसन हो सकता है यहाँ पे वह टू डाउन खेलते हुए दिख जाए, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। सूर्य कुमार यादव हो सकता है पांच नंबर पे, राइट हैंड बैटिंग करते हैं ये भी। हार्दिक पांड्या यहाँ पे राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक, गाइस मतलब बंदा जब इसका रिटायर का उम्र आया इनके तब ये फॉर्म में आ गए हैं। लोग कह रहे थे कि पार्ट टाइम यहाँ पे क्रिकेटर हैं और फ्यूचर में ये कमेंटेटर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये बता रहे कि ये अभी भी क्रिकेटर हैं। उसके बाद अक्षर पटेल की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक यहाँ पे बॉलिंग करते हैं। हर्षल पटेल की गाइस बात करते हैं, अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि 4 से 5 दिन पहले एक मतलब डोमेस्टिक का इंडिया और लैंचेस्टर सिटी का शायद मैच हो रहा था, आई थिंक 36 की 35 बॉलों में इन्होंने 52 या 56 रनों का स्कोर किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बैटिंग से गाइस बता रहा हूं, ठीक है, तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार है, उमरान मलिक, उमरान मलिक गाइस बहुत ही फास्ट बॉलिंग फेंकते हैं और इंग्लैंड जैसी जगह पे अगर स्विंग करा लेते हैं तो बहुत ही घातक यहाँ पर बॉलिंग साबित कर सकते हैं अपनी। अगर मैं यहाँ से इंडियन टीम की अगर प्लेइंग 11 आप लोगों को बताऊँ तो बैलेंस लग रही है, ठीक है, 7 नंबर तक बैटिंग है, वही इंग्लैंड का भी देखा जाए तो यहाँ तक पूरा डेविड विली तक ही बैटिंग है, 7-8 नंबर तक इनकी भी बैटिंग है, तो दोनों टीम की यहाँ पे देखिए बैटिंग एकदम बैटिंग बॉलिंग सारी चीज़ तगड़ी है। बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के ओवरऑल रिकॉर्ड के बारे में गाइस, ठीक है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हाँ स्क्रीनशॉट अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि अगर कोई प्लेयर मैंने जो प्लेइंग 11 में बताया है वहाँ से मिस होता है तो आप लोग उसको ईजिली सर्च करने में तो टाइम लग जाएगा, तो आप लोग जब टॉस के बाद कोई प्लेयर मिस होता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट जब लिए रहोगे तो उसको देखकर आप लोग अपने माइंड में देख सकते हो कि इस प्लेयर को अपनी टीम में लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। जॉस बटलर के बारे में आप लोगों को बता दूं, 28 मैच 2140 रन 34 का एवरेज है, टीम के कैप्टन बने हैं और बहुत ही गजब की फॉर्म में है, ठीक है। अब ये अलग बात है अगर कैप्टेंसी मिला है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर में आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको प्रेशर लेकर खेलना चाहिए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद मोइन अली का मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बताऊं, 49 मैच में 637 रन 18 का एवरेज, वही बॉलिंग से 42 पारी में 33 विकेट भी इनके नाम है। हैरी ब्रुक की गाइस बात करते हैं, डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक खुद को प्रूफ नहीं किए हैं, वैसे मैचेस भी ज़्यादा नहीं खेले, एक मैच में मात्र 10 रन है और 10 का एवरेज है और एक मैच से हम लोग किसी प्लेयर को जज कर भी नहीं सकते हैं। 16 मैच में सैम करन के 91 रन 18 का एवरेज है, वहीं 16 पारी में 16 विकेट भी है, सैम करन का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक प्लेयर है रिचर्ड्स ग्लिंगसन, हो सकता है सैम करन या डेविड विली की जगह पे इनको बॉलिंग मिल जाए, क्योंकि सामने सिर्फ लेफ्ट हैंडर हैं, या तो फिर क्रिस जॉर्डन भी इस मैच में हो सकता है खेल लें अगर टीम चाहेगी राइट हैंडर को खिलाना तो, और मेरे ख्याल से खेलना भी चाहिए यार, सारे लेफ्ट हैंडर तो खेलेंगे नहीं, तो आप लोग मान सकते हो। अब किसकी जगह पे लग रहा है, मुझे लग रहा है या तो डेविड विली या तो सैम करन बाहर जाएंगे, उनकी जगह पे यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस क्रिस जॉर्डन के हैं जिनका रिकॉर्ड देख लीजिए 75 मैच में 80 विकेट हैं, वही रिचर्ड ग्लिंगसन की बात करते हैं 65 मैच में 71 विकेट इनके। ओवरऑल T20 के स्टेट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लियम लिविंगस्टन की बात करते हैं, 17 मैच में 285 रन 23 का एवरेज है, बॉलिंग से 12 पारी में 12 विकेट भी इनके नाम है। डेविड मलान की बात करते हैं, 36 मैच में 1239 रन 41 का गाइज एवरेज है, एक एवरेज देख सकते हो, अभी बंदा फॉर्म में नहीं है तो एवरेज ये है, जब फॉर्म में था तो लगभग 55-60 की एवरेज से रन बना रहे थे, तभी ना यार ICC रैंकिंग 1 प्राप्त की थी, और मेरे ख्याल से मात्र 20 इंटरनेशनल T20 खेलकर 1 नंबर पे आ गया था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइज किसी भी प्लेयर के लिए। टैमिल मिल्स की बात करते हैं, 12 पारी में 11 विकेट इनके नाम है। मार्थिक पार्किसन की बात करते हैं, 77 पारी में 111 विकेट है गाइस डोमेस्टिकली, यहाँ देख सकते हो कितना गजब का प्लेयर है। जैसन रॉय 58 मैच 1446 रन 25 का इनका एवरेज है। फिलिप साल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, 3 मैच 60 रन 20 का इनका एवरेज है, लेकिन फॉर्म में है और अब देखना ये होगा कि बैटिंग ऑर्डर इनका क्या होता है, अगर ओपनिंग आएंगे तो अपॉर्चुनिटी रहेगी तो हो सकता है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दें, 4 नंबर पे थोड़ा कम चांस लग रहा है इनसे मुझे।
बाकी रिस टोपली 10 मैच में 8 विकेट इनके नाम है और डेविड विली 32 मैच में 182 रन बैटिंग से 14 का एवरेज, बॉलिंग से 32 पारी में 38 विकेट इनके नाम है। तो होप आप लोगों को गाइस यहां से इंग्लैंड के सभी प्लेयर का रिकॉर्ड समझ में आया हो और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, काम आ जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं अपने भारतीय टीम की, यहां पे पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा देखिए मैच का पहले सीरीज का कोई भी मैच रहता है ना तो पूरे दिल से मैं कवर करता हूँ, मैं और भी मैच कवर करता हूँ, लेकिन आप लोगों को जो पहला मैच रहता है ना उसमें प्लेयर्स को कम नॉलेज होता है, लोगों को कम नॉलेज होता है प्लेयर्स के बारे में, तो आप लोगों को पूरा मतलब A to Z डाटा मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप अपनी बेहतरीन टीम बना सकते हो। गाइज यहाँ आ जाओ आप लोग, कहाँ आना है, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, सब्सक्राइबर देखोगे मात्र 138 है। क्यों है ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब ठंडी में बिग बैस लीग चल रही थी तो स्ट्राइक आ गए थे ड्रीम इलेवन वालों की वजह से, तो हम लोगों का टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था, 1 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर थे, पर कोई नहीं गाइज यार, बार बार बोलने पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को भी इरिटेट हो जाओगे सुनने से, तो इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ जुड़ो, एक बार टीम से खेलो, अच्छा लगेगा तो आगे कंटिन्यू करना वरना आप लोग स्किप करके जा सकते हो। बाकी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, पिन कर दिया, वहाँ पे से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बाय द वे किसी रीजन से लिंक वर्क ना करो तो Cricket2580 आप लोग क्लिक कर यहाँ भी सर्च कर सकते हो। तो फिर से हम लोग चलते हैं मैच की तरफ और देखते हैं इंडिया की यहाँ पे प्लेयर्स की रिकॉर्ड। शर्मा जी राइट हैंड बैटिंग करते, ऊपर मैंने बता दिया 125 मैच में ओवरऑल T20 के 3313 रन, 32 का इनका एवरेज है। बात करते हैं उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, 62 पारी में 64 विकेट इनके नाम है और स्विंग करा सकते हैं, अच्छी खासी इनको स्विंग मिल सकती है इंग्लैंड के ज़मीन पे, क्योंकि जानते हो यार वहाँ पे मतलब ठंडा एक तो एटमॉस्फेयर रहेगा प्लस बारिश कभी भी आती है कभी भी जाती है और वेदर क्लाउडी रहता है, तो इसमें बॉलर स्विंग जो कराते हैं ना जो, और भुवनेश्वर कुमार के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, स्विंग मास्टर इनको बोला जाता है इंडिया की तरफ से, बहुत ही अच्छी स्विंग कराते हैं, तो इंग्लैंड कि पिच पे बहुत ही अच्छी इनको अगर स्विंग मिल जाती है तो मतलब नस्तनाबूद कर देंगे इंग्लैंड टीम को। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से अर्शदीप सिंह की, देखिए अगर खेलेंगे तो रिकॉर्ड देख लीजिए, 49 मैच में 52 विकेट इनके नाम है, अगर खेलते हैं लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं तो आप लोग अपने दिमाग में इनको बैठा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी से बोल रहा हूँ। अवेश खान की गाइस यहाँ से बात करते हैं, T20 में 66 मैच में 85 विकेट इनके नाम है और मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया की तरफ से जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं सभी मतलब मुझे तो अच्छे लग रहे हैं और जितने स्क्वाड का भी चयन किया गया अच्छे प्लेयर हैं और यंग हैं, तो इन लोगों को मौका होप कि मिलना भी चाहिए और ख़ुद को अच्छा प्रूव भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजी चहल की, 243 मैच में 278 विकेट इनके नाम है ओवरऑल T20 में और बहुत ही अच्छे मतलब बटलर और चहल एक ही टीम से खेल रहे थे राजस्थान की तरफ से, जिसमें कि बटलर ने ऑरेंज कैप जीता था वहीं चहल ने भी पर्पल कैप जीता था गाइस। तो उसके बाद बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, 197 मैच में 3438 रन, 29 का इनका एवरेज है, बॉलिंग में 150 मैच में 119 विकेट भी इनके नाम है और आजकल तो बॉलिंग भी कर रहे हैं तो इस वजह से अपने टीम में मस्ट के कैटेगरी में भी आ जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं, 9 पारी में 135 रन, 16 का मैच इनका एवरेज है और दीपक हुडा की बात करते हैं, 5 मैच में 172 रन, 86 का एवरेज है, एवरेज देख सकते हो, ये एवरेज आयरलैंड से जब मैच हुआ था ना तभी बड़ा है यार, लगभग मालूम है आप लोगों को सबसे बड़ी इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी T20 साझेदारी की गई थी, आप लोग देख सकते हो। ईशान किशन 132 मैच में 3484 रन, 29 का इनका एवरेज है और इस मैच में खेल भी सकते हैं तो आप लोग इनका रिकॉर्ड देख सकते हो। वेंकटेश अय्यर 9 पारी 133 रन, 33 का इनका एवरेज, वहीं 9 पारी में 5 विकेट भी इनके नाम है, ठीक है। दिनेश कार्तिक यार देखिए 346 मैच का एक्सपीरियंस है, 6650 रन, 27 का इनका एवरेज है और बहुत ही गजब की फॉर्म में है। अक्षर पटेल की बात करते हैं, 22 मैच में 101 रन, 16 का इनका एवरेज है, बॉलिंग से 21 पारी में 16 विकेट इनके नाम है। हर्षल पटेल की बात करते हैं, 14 मैच में 32 रन, 16 का एवरेज, बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्मेंस है भी नहीं और मैं चाहूंगा इनकी बैटिंग आए भी नहीं, क्योंकि अगर इनकी बैटिंग आती है तो इसका मतलब कि इंडिया की टीम स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग से इन पे आप लोग थोड़ा सा फोकस रखिएगा। 14 पारी में 19 विकेट इनके नाम है। बात करते हैं रवि बिश्नोई की, 5 मैच में 5 विकेट इनके नाम है। संजू बाबा की बात करते हैं, 14 मैच 251 रन, 19 का एवरेज है, एवरेज कोई सही नहीं है गाइज लेकिन प्लेयर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये एवरेज इस प्लेयर के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं। लगभग 10 साल हो गए इनको भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करते हुए लेकिन आज तक अपनी टीम में जगह नहीं बना पाए, बहुत बुरा लगता है इनके लिए। राहुल त्रिपाठी 118 T20 मुकाबले में 2628 रन, 27 का इनका एवरेज। उमरान मलिक 2 मैच में 2 विकेट, स्पीड किंग इनको बोला जाता है, आप लोगों को क्या लगता है शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? अगर देखिए
अच्छे से अगर कोई इंजरी वगैरह नहीं आता है इन फ्यूचर 10 साल 15 साल भारत के लिए खेलते हैं, तो मुझे तो लगता है यार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप लोग बाकी क्या राय कमेंट करके बताना। सूर्य कुमार यादव 16 मैच 366 रन 33 का इनका एवरेज है। चलते ड्रीम इलेवन पर और देखते हैं इस मैच के लिए हमारी क्या टीम बनकर रेडी हो रही है। उससे पहले जितना आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट यहाँ से ले लेना, सारे प्लेयर के बारे में आप लोगों को बता दिया हुआ यहाँ से। हो सकता है गाइस देखिए अक्षर पटेल की जगह पर यहाँ पर यूजी चहल खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी होप कि आप लोगों को यहाँ से तो पूरी डाटा समझ में आया हो। अब एप्लीकेशन पे चलते हैं और टीम देख लेते हैं क्या बन रही इस मैच के लिए। सबसे पहले आते हैं विकेट कीपर सेक्शन पे और बात करते हैं, तो देखिए चारों विकेट कीपर के चांसेस देखिए खेल सकते हैं। सेफ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे सेफ में जॉस बटलर मिलेंगे, ठीक है। रेड एंड हॉट फॉर्म में, अपने करियर के सबसे गजब की फॉर्म में अभी ये चल रहे हैं। बाकी देखिए संजू सैमसन अगर खेलते हैं और वन डाउन या टू डाउन तक बैटिंग करते हैं तो आप लोग इनको भी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलिप साल्ट ओपन करेंगे तो इनके बारे में आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं। दिनेश कार्तिक का गाइस क्या है, देखिए अगर इंडिया के आप लोगों को लगता है कि विकेट जल्दी गिरेगी तब आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये वाला लॉजिक आप लोग जीएल में लगाओगे तभी अच्छा रहेगा। स्मॉल लीग के लिए मैं इनको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, भले फॉर्म में है लेकिन अगर जब बैटिंग नहीं आएगी तो फिर क्या इनका सेंस बनता है। हाँ बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं, लियम लिविंगस्टोन बॉलिंग का भी एडवांटेज है दिए गए बैटिंग सेक्शन में, लेकिन हो सकता है बॉलिंग से भी हाथ साफ कर सकते हैं। दीपक हुडा को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने इनको ड्रॉप किया। आप लोग चाहो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ट्राई किसकी जगह पर करना मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। ईशान किशन जेसन रॉय रोहित शर्मा मेरी टीम में आप लोगों को यहाँ से दिख रहे होंगे। बाकी यहाँ से मैंने डेविड मलान को लिया है, हाँ ये कर सकते हो, डेविड मलान को ड्रॉप करो, दीपक हुडा आपकी टीम में आ जाएंगे। प्लेयर सिलेक्शन देखोगे बंदे की 71% है, ठीक है, यहाँ से डेविड मलान के साथ लेकिन मैं जा रहा हूँ। प्लेयर सिलेक्शन से मुझे नहीं मतलब है, मैं मतलब बराबर की टीम बनाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक टीम के फेवर में टीम को रखूँ, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे डेविड मलान के साथ लग रहा है तो मैं डेविड मलान के साथ जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है बहुत ही जल्दी आप खुद को ये मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव कर गए थे। इस साल भले से ये फॉर्म में नहीं है लेकिन अगर ओपनिंग आएंगे तो, और अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, अपने देश में खेल रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो 5 बैट्समैन फिलहाल से मेरे ये रहेंगे, ठीक है। गायकवाड़, त्रिपाठी, यादव, सूर्य कुमार यादव अगर खेलेंगे तो इन लोगों के बाद में डिस्कशन किया जाएगा। सूर्य कुमार यादव के चांसेस है खेलें, लेकिन बैटिंग डाउन इनका आजकल 4 डाउन आ रहे हैं खेलने, तो इस वजह से मैं इनको फिलहाल ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं इस मैच में, आप लोग ग्रैंड लीग फोकस करना। मैंने आप लोगों को वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन दी, यार कोई एक बंदा तो प्लीज यार ग्रैंड लीग जीतना यार, मुझे स्क्रीन शॉट भेजना, बहुत खुशी होगी। क्योंकि स्मॉल लीग में आप लोग देख रहे हो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, सारे प्लेयर अच्छे खासे हैं और कोई कभी भी परफॉर्मेंस दे सकता है, किसी को भी छोड़ना रिक्सी हो जाएगा गाइस, इस वजह से बोल रहा हूँ। हार्दिक पांड्या सैम करन के साथ फिलहाल मैं जा रहा हूँ, ऑप्शन है इनके जगह हटाइए मोइन अली को ले लीजिए, लेकिन सैम करन का ये है गाइस कि मोइन अली के कंपेयर में सैम करन ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, ठीक है। बाकी चाहें तो आप लोग बिल्कुल मोइन अली को ले सकते हो, इसी से बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग खेलना ज़्यादा सेफ रहेगा ये मैच। हाँ यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में बात करते हैं, डेविड वेली, हर्षल पटेल, यूजी चहल मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से डेविड वेली का क्या बैटिंग एडवांटेज है, हर्षल पटेल के पास भी थोड़ा सा बैटिंग एडवांटेज है। चहल मतलब अपने इंडियन टीम के प्रमुख स्पिनर है तो ये मेरी टीम में रहेंगे, ठीक है। प्लेइंग 11 में मैंने शायद चहल को नहीं बताया था लेकिन हो सकता है चहल इस मैच में खेलें। बाकी ऑप्शन की बात किया जाए, देखिए भुवनेश्वर कुमार बहुत ही अच्छी खासी स्विंग इनको मिल सकती है, टाइमल मिल्स, क्रिस जॉर्डन, अवेश खान, कोई भी खेलता था यार सभी इंपॉर्टेंट है। रिश टॉपली होगा यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे। उमरान मलिक खेलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे। तो इतने सारे अच्छे प्लेयर हैं यार, किसी को भी छोड़ना और वो प्लेयर अच्छा कर जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग फोकस करना। कैप्टन मेरे जॉस बटलर रहेंगे, ओपनिंग आएंगे, प्लस विकेट कीपर का एडवांटेज है, ठीक है। वाइस कैप्टन के तौर पर लियम लिविंगस्टन के साथ मैं जा रहा हूँ, 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं और 2 डाउन बैटिंग करेंगे, हिटिंग मशीन है ये। बाकी आप लोग चाहो तो हार्दिक पांड्या को भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मेरी यही टीम बनकर रेडी हो रही है। आप लोगों को टीम का प्रीव्यू दिखाऊं तो किसी तरह का दिख रहा है, जहाँ मैंने वाइस कैप्टन लिविंग स्टोन और कैप्टन मैंने जॉस बटलर को ट्राई किया है। बाकी टॉस के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ये फाइनल टीम है ना, हो सकता है सैम करन की जगह पर मोइन अली को मैं अपनी टीम में ट्राई कर लूँ, या तो डेविड मलान की जगह पर मैं अपने प्लेस पर डेविड मलान की प्लेस पर मैं दीपक हुडा को ट्राई कर लूँ, फिर बॉलिंग सेक्शन में भी कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूं। तो इसी वजह से आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग यहां पे आ जाइएगा तभी आप लोगों को टीम फाइनल टीम मिल पाएगी, ठीक है। फिलहाल तो मैंने इतनी नॉलेज आप लोगों को दे दिया है कि आप लोगों को किसी की टीम कॉपी पेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं जान रहा हूं आप लोगों में से लगभग 90% यूजर टीम को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इस वजह से क्रिक 2580 लिखकर आप लोग यहां पर आ सकते हो। यहां पर आप लोगों को अपडेट करके टीम दिया जाता है टॉस के बाद, तो यहां से आप लोग होप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और हाँ 90% गाइज मैं बता दूं, देखिए 90% लोग ना सिर्फ वीडियो देखकर चल जाते हैं, ना ही वो लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो होप आप लोग वीडियो को लाइक कर दियोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दियोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।